दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शहर में एक मोर्चे का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ किसान सभा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि विधेयक के संदर्भ में दिल्ली में इस समय किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और देश में अनेक स्थानों पर इस किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं। और वहीं आज चंद्रपुर में भी 26 जनवरी के मौके पर एक भव्य मोर्चा निकाला गया और इस मोर्चे में ट्रैक्टर, बाइक तथा बैलगाड़ी के साथ पैदल बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद थे, जिसमें मुख्यतः किसान महिलाओं की संख्या अधिक मात्रा में थी। और वहीं इस मोर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति थी, जिसमें मुख्यतः कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसान सभा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। और यह मोर्चा गांधी चौक से होता हुआ शहर के मुख्य मार्गों से जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा। इसी दरमियान सीटीयू न्यूज के विशेष प्रतिनिधि माधुरी कटगोजार ने मोर्चे में शामिल आंदोलनकारियों से बातचीत की। प्रस्तुत है उस बातचीत के कुछ सरसकट केंद्रांनी आपल्याच मर्जीने संसदेमध्ये ठराव न घेता जे कायदे आणलेले आहेत ते संपूर्ण कायदे हे काळे कायदे ज्याच्यामुळे शेतकरी नष्टनाबूत होईल ते रद्द करण्यात यावे अशी शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे। या रास्त मागणीसाठी शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून देशामध्ये विविध ठिकाणी आंदोलनं होत आहेत आणि त्याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आज चंद्रपुरामध्ये दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या किसान आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून आज इथे चंद्रपुरात एक ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात आली आहे। याच्यामध्ये राष्ट्रीय पक्ष, कर्मचारी संघटना आणि किसान सभा या तिन्ही संघटना मिळून आज जिल्हाधिकाऱ्यावर मार्च काढण्यात आले। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने जो बनाए हैं, ये किसान विरोधी है, ये जन विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है, इसलिए इसका पुरजोर हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार कहता है कि इस कानून से किसानों का भला हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस कानून के तहत कोई भी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि किसान को मिलती आ रही कई सालों से, उसका प्रावधान ही नहीं किया। तो हमारी किसानों की ये मांग है कि तुम इसका कानून तो बनाओ, जिसकी जरूरत नहीं वो कानून लाए हो, तो इससे जो राशन व्यवस्था है, जो सरकारी खरीदी व्यवस्था है, वो ध्वस्त हो जाएंगी। और राशन व्यवस्था जिसके तहत मजदूर किसान जो पल रहा है हजारों साल से, वो भी ध्वस्त होने वाला है। केंद्र सरकार की खरीद, शासकीय खरीद बंद होने वाली, इसलिए ये 3 कानून वापस लेने चाहिए। बिल्कुल जरूर होगा, ये कानून किसान विरोधी है और इस देश के अदानी अंबानी के लिए ये सरकार ने बनाया है। इलेक्शन में करोड़ों रुपए इन्होंने दिए है, उनकी चुपचाई करने के लिए कानून बनाए हैं, किसानों के लिए कानून बनाए हैं। और इसलिए हम मांग करते हैं कि जब तक आप 3 कानून वापस नहीं लेंगे, कहीं किसानों की आत्महत्या हो चुकी है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने बताया है कि किसानों के लिए आयोग लाया, उन्होंने बताया कि उत्पादन खर्च के ऊपर 1.5 गुना जब तक आप मुनाफा किसानों को नहीं देंगे, खरीदी नहीं करेंगे, तब तक किसानों की भलाई नहीं हो सकती, किसान की आत्महत्या नहीं रोक सकती, किसान की आर्थिक परिस्थिति नहीं बदल सकती। यदि किसान की आर्थिक परिस्थिति बदलना है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना जरूरी है।